तेरा हुण साडे दिल विच रहना ते बणदा आ नी तैथों वध सोणा कोई नी कहना ते बणदा आ नी तैथों वध सोणा कोई नी तेरा हुण साडे दिल विच रहना ते बणदा आ नी तैथों वध सोणा कोई नी कहना ते बणदा आ नी तैथों वध सोणा कोई नी। क्या बात है भाई, थोड़ी आवाज सुन के मतलब बहुत ज्यादा खुशी होंगी है। लाइव च भी ते गाने च ता चलो हुंदी है। ट्रेलर नु देख के, कोके दा ट्रेलर नु देख के मेरा विजन ए सीगा कि कोके च एक नग जड़िया गया ते नग सी डायमंड दा, डायमंड स्टार गुरनाम पुलर। थैंक यू मेहरबानी वीरे। ए जेड़ा नग जड़िया गुरनाम पुलर बाई दा, ए किवें दिमाग च आया कि गुरनाम पुलर डायमंड स्टार है? ओ बिल्कुल मैच भी हो गया भी डायमंड स्टार ओ कोके नाल नग सी गाना कहदा डायमंड कोका। हां मम्मी मैनू पहला मतलब पता नहीं सी ए इना दा टैग आ डायमंड स्टार, बट संतोष जी ने इना नु इना दे विच जो हीरा आया जो डायमंड ओ पहला ही देख लिया सी इना दी पहली फिल्म दे रिलीज तो पहला। सो उना नु कर लिया सी गुड्डियां दे पटोले दे सेट ते रिलीज तो पहला। सो फिर एक कॉन्सेप्ट आया एंड दैट्स इट, ही इज आवर डायमंड स्टार, ही इज आवर कोहिनूर। क्या बात। अच्छा जे किते नग च ए वाला कोका किते बिजी हुंदा, डायमंड बिजी हुंदा, ना डेट्स हुंदिया ता किने किसी कुड़ी नु आंटी कहता हो बाद च मतलब हो गया अगली ने मैं एक बार क्या सी, मैं उस तो बाद जिंदगी किसी को आंटी नहीं कहा। मैं कॉलेज पढ़ता सी एपीजे कॉलेज जलंधर, तो मैं घर की ट्रेन फड़नी सी, आपके फाजिलका की ट्रेन फड़नी सी मॉर्निंग 5 बजे, तो उत्थे मैं फटा बहुत जल्दी सीगा, तो मैं टिकट टिकट कलैक्टर करते हाँ, तो मैं क्या जी मैं क्या आंटी फाजिलका ही टिकट काम करना सारी फिल्म ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਟੈਲੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਲੱਕੀਲੀ ਆਈ ਐਮ ਦ ਲੱਕੀਐਸਟ ਵਨ। ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰੇ ਹੀਰੋਇਨਸ ਔਰ ਨੀਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੀਰੂ ਬਾਈ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂ। कदी कदी पता नहीं हुंदा ने कि तुहाडा की इफेक्ट हुंदा किसे ते। एंड सो थैंक यू मिंदर जी, थैंक यू सो मच फॉर दैट सॉन्ग जो तुसीं देख रहे हो। क्या बात। अच्छा नीरू जी, जे आपां इस टॉपिक दी है ना गल करिए, थोड़ा विजन की सीगा इस चीज़ इस टॉपिक नूं लैके कि आपां एक सिक्ख्या देणी कि इस चीज़ का कोई वह नहीं हुंदा कि कोई मैं कोई सिक्ख्या नहीं देना चाहती। आई ऑलवेज फील के बट कनेक्टिविटी जरूर देना चाहती हूँ, तो मैं हमेशा के आस पास देखा कि मैरिज जो है वो इन्ना एम्फेसिस है एंड बहुत सारे इन कुड़िया मुंडे लेट कर रहे हैं अजकल, तो उन्होंने उत्ते प्रेशर होंगे, फिर मम्मी डैडी वो अलग तो उन्होंने प्रेशर आ, उन्होंने शर्म आती कि नहीं अजे विह नहीं होया, अलग टेंशन में तुरे फिर। सो आई जस्ट वॉन्ट जो अभी कोई फिल्म बनाने आई ऑलवेज फील कि जो कनेक्ट
कनेक्ट भी कर सकते हो, तुसी अपने आप नू भी उहदे च देख सकते हो ता, क्योंकि हिंदी फिल्मां देखदे हां साडे पंजाबी च उहदे मतलब अक्सर नहीं कनेक्ट कर पांदे क्योंकि साडी स्टोरी नहीं होंदी। हॉलीवुड फिल्मां देखदे हां उहदे विच वी वांट सी हां मेरी स्टोरी आ। सो आई फील के सानू वी इहोजिहां टॉपिक्स इहोजी फिल्मां मैं आई पर्सनली लाइक टू वॉच सच फिल्म्स। जिहड़े मुंडे बाहर जाके विआह कराउंदे आ उहनां लई हमेशा इह कहा जांदा जे उह बड़ी कुड़ी नाल विआह कराण वी इह पी आर लई विआह करा रिहा है ना, तुहानूं लगदा वी उह कल्ले पी आर लई हुंदा या जिवें थोड़े च इश्क मुहब्बत फिल्म च इश्क मुहब्बत खाई गई है उह वी एंगल हुंदा इक? मैं बिलीव करना चाहनी हाँ कि सिर्फ लव लिए करते हैं, नॉट सिर्फ के पी आर के लिए, क्योंकि आई थिंक असी ना सारे बहुत ही जजमेंटल या ओके या मैं भी कभी कभी सुनिया कि मैं पैसे ले का ब्याह कराया मेरे हस्बैंड नाल, मेरे लिए भी एक कॉमन साइन है, असी बहुत ईजीली जजमेंट पास करते हैं किसी की भी लाइफ से, अपने मतलब शीशे मुड़े आप खड़के नहीं कभी देखते थे अपनी लाइफ की हो रहा है, वी ऑलवेज सी ओहो अपनी जो जनरेशन आ रही है यार व्याह ही नहीं करवाना। मैं बहुत बिलीव करता, मैं लगता इस दुनिया का सब तो खूबसूरत रिश्ता मां पुत तो बाद जो रिश्ता है तो हस्बैंड वाइफ का है। पर मेरे लिए वो रिश्ता इतना खास है, मैं उसके लिए ड्रीम्स बहुत सोचे हुए हैं, तो वो ऐ नहीं कि बस ब्याह करवाना सी तो हाँ जी कर ला करा लो, बिल्कुल मतलब मेरा ब्याह इतना सौखा मेरे दिमाग च नहीं है, जिद नाल थानू लगे कि यार हाँ जिद नाल मैं सारी उम्र इहदे नाल ही रहना ये बेस्ट है, वो पीक होनी चाहिए थोड़े दिमाग च जिन्हों तुसी कहने शिद्दत कह लो प्यार कह लो है, पर मैं लगता है औखी है बहुत, बिल्कुल मैं कदम कदम डाउट भी होंगे भी नाम से जो ये ना हो फिर तू छड़ा ही रहे। ओके अच्छा नीरू जी थोड़ा जो विआह भी होया तुम गुरनाम भाई को क्या सलाह दोगे तो ब्याह कराने मैं किसी को कोई सलाह नहीं दूंगा, एब्सोल्युटली नॉट। एग्जैक्टली जिन्होंने जो कुछ करना भी लाइफ करो, मेरा कोई जजमेंट नहीं है ना, मैं कहनी हूँ कि ब्याह करो ना करो, live the way you want. क्या बात। अच्छा गुरनाम भाई आखिरी सवाल, जब नीरू बाजवा जी नाल या पता सीगा भी आज मैं शूट फाइनली करना बेड तो कैमरे ते लै भी आज नीरू बाजवा वाला मैं शूट करना, ओ की रिएक्शन? मैनूं यही सी यार मैं लेट ना हो जा। ओके क्योंकि और मैनूं हमेशा हुंदा है कि मेरे करके शूट ना रुके, मैं ना कभी यार वो सेट ते नहीं आया, जब तक मैं प्रोड्यूसर बनया उतना मैं ज्यादा फील होने लगा कि एक्टर एक घंटा लेट आता तो प्रोड्यूसर को की फील होता। सो मेरा बेसिक तो आई सीगा कि मैडम आप प्रोड्यूसर भी ने, सो प्रोड्यूसर साहब नु तंग नहीं करना, तो ऑफ कोर्स यार ये फिल्म का रीजन ही सब तो बड़ा रीजन ही है कि मैं उन्होंने फिल्म कर रहा है, बिल्कुल मैं एक्साइटेड सी। उस तो पहला एक दिन आप मिले सीगे फॉर अ लंच है ना, फॉर कॉस्ट्यूम ट्रायल, मैं तो मीटिंग लिए बहुत एक्साइटेड सीगा, फिर असि रील्स बनाई फिर अनाउंस किया कि फाइनली स्क्रिप्ट लेके कि असि कर रहे हैं। ओके आई बेसिकली ब्रेक हुई सी देयर आई थिंक। अच्छा नीरू जी तुसी भी रील्स दा बहुत ट्रेंड फॉलो करदे हो, सारेयां नूं बहुत ज्यादा पसंद भी आउंदा। मैं अपनी रील्स नूं बहुत सीरियसली लैनी आ। सारेयां नूं पसंद भी आउंदा बेसिकली, इक तां हुंदा ना कि रील बनाउंदे सारे वेट करदे नीरू बाजवा रील कदों पाउणगे। मैं सिमी जी नूं भी फड़ लिया, मैं कहा चलो रील करो, मैं मैनूं पता नहीं आई सेड कुछ नहीं करना, मैनूं भी नहीं पता मैं की करना, बस शुरू हो जा। क्या बात है, मैनूं बहुत मजा आया तुहाडे दोहां नाल गल करके, उम्मीद करदे हां कि जिहड़ी ऑडियंस जाए तां लग्गिया वी गाने दी लोड़ आ। नहीं लगे थोड़े ना लगे विंटर कहते गाने की लोड है तो नहीं नहीं लोड पे सी और स्टार्टिंग पे ओ चलो क्या बात इंट्रोडक्शन। हां इंट्रोडक्शन क्या बात है, उम्मीद करना भी मूवी सुपर डुपर हिट जावे ते ऐहे जे कांसेप्ट लई कोई नवे कांसेप्ट लई दोबारा तुसी तैयार होवो कि ऐसे पैसे लई। हां यार फिल्म मैं चाहना कि ऐसी इससे करके चाहना कि फिल्म वर्क करे, मतलब मैं ना मैं आप मेंटली बहुत रिटार्डेड फील कर रहा कि यार हां जी ब्याह कॉमेडी होनी चाहिए, आए जी फिल्म आए जी फिल्म ही चल दिया और सच्ची ओहो जिया ही चल रही ने, बिल्कुल बिल्कुल, और वो वर्क कर दिया ने तो साडे ते प्रेशर है कि भाई ओवें दी चलती है। सो मैं चाहना कि यार बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ने लाइन तो हटके ने जेडे एंटरटेनमेंट तो असीं बनावांगे पर ऐह जे कॉन्सेप्ट कामयाब होवे ना तो किन्नियां चीजां खुल जाणगियां, हो हर बंदा राइटर्स थोड़ा सोचणगे, बिल्कुल वी विश के चलो। नीरू जी मैं तुसीं चलो काफी टाइम तो इंडस्ट्री चो है ना, आपां देखदे हां कि
ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਊਥ ਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਟੌਪ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਉਹ ਵੀ ਟੌਪ ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਿਨੇਮਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਆਲ ਓਵਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਲੋਲੀ ਸਲੋਲੀ ਵੀ ਗੋਇੰਗ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਐਸ 올ਡ ਐਂਡ ਐਸ ਬਿਗ ਐਸ ਦੈਮ ਬਟ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੀ ਬਾਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤਲੋ ਜੀ ਏਸੀਕੇ ਟੀਮ ਕੋਕਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੂਵੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈਏ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਹਰ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ